क्या करता है तुम्हारा मर्द? कुछ नहीं। अरे कुछ तो करता होगा ना? वैसे तो कुछ नहीं करते, लेकिन जब इतना जोर दे के पूछता हो तो हम बता देता है कुछ नहीं करते, वह दिन भर हड़म्पन करते है। होश में तो हो, थाना है तुम्हारा, मायका नहीं है? हाँ साहेब, होश माहन सुबेरे 8 बजे वो बिस्तर छोड़ के उठा जाते है और खाली मंजन कुल्ला करे थे, फिर निकल लिए थे चौराहा पर, 8 कप चाय पिए थे और 4 जोड़ी पान, फिर घूम घूम के 3 तरह के अखबार पढ़ा थे, दोपहरिया में घरे लौटा थे, हरिया भर के खाना भकोसत है और दिन भर परधनों के काम में किल्ली लगावत है। किल्ली लगाता है, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं साहेब, खलिहर है परधनवा, उनका काहे शौचालय दिहीस, काहे कॉलोनी दिहीस, कौन सफाई कर्मी नदारत है, आंगनबाड़ी में कितना सतुआ बांटा गवा है, बस यही दिन भर खुरपेज में लाग रहा था। तब तो बहुत बढ़िया काम करत है। हाँ लोहाठी बढ़िया काम करत है, उधर परधनवा कमाए के लाल हो गवा, 2 तल्ला बिल्डिंग, स्कॉर्पियो गाड़ी, 4 बीघा जमीन खरीद ली है, और एक ये है कि अपन कच्चा बनियान खरीदे का औकात नहीं ना। तुम तो कह रही थी कि वो अखबार पढ़ता है, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा है? भगवान जाने साहेब, कहा तो रहा कि हाई स्कूल 2nd डिवीजन पास रही, लेकिन हमका रत्ती भर विश्वास नहीं ना। और रही बात अखबार पढ़े के, तो अखबार में मेहरारून के फोटो छपत है, वही निहारत हुए दिन भर बैठ के। तुमको उसकी पढ़ाई पे विश्वास क्यों नहीं है? आज तक कौनो कागज पत्र तो देखे नहीं, एक बार वही के बक्सा से एक लव लेटर पकड़े रहें, 20 लाइन की चिट्ठी में 13 ठो गलती रहीं, दिल का दिल, वफा का वफा, गुलाब के फूल की जगह पे लिखे रहा गुलाब का फूल। बताओ साहेब, हम सिर्फ 5 पास हन, लेकिन दिल और दिल में खूब फर्क समझी थे। हाँ तो साहेब, चिट्ठी लेके सबसे पहले बाबू के बस्ता से पेंसिल निकारा, फिर पहुँच गई छत पर, वहाँ वह यूट्यूब पर बैठ के कौनो फूहर डांस देखत रहा। समझे साहब, पहुँचते ही मोबाइल छीन लेना, स्विच ऑफ कर देना, अब कॉपी धरा सामने, अब पेंसिल पकड़ाए के हाथे में, कहा कि लिखो दिल। हमका देखे सो भोचक क्या है गवा, और पूछी इसका ही, हम बोला अब तुमका दिल लिखे माँ तो यार हाथ कहे का पता है, लिखो जौन हम कहता है। फिर डरा डरा के लिखिस, और लिखिस का दिल साहब, जैसे लिखिस कि दिल मारा बैठो कंटा, और जब तक कुछ समझे बूझे छह झापड़ और रसीदा बैठे मुँह पर। और सच्ची बताई दरोगा जी, चिट्ठी के खातिर तो केवल 4 हाथ मारे रहे, बाकी 4 हाथ खाली बैठे दिल खातिर मारा है। हराम खोर दिल तक नहीं लिख पाता है, और बात DMSP तक के करत है हराम खोर। तुमको मारता पीटता भी है? भक ऊ का मारे साहब, वैसे शादी के 5 बरस में बहुत पिट पिट हाथ छोड़त रहा। एक दिन गर्मी में खेत काट के घरे पहुँचिन, तमतमान तो साहब रावे बहन पहुँचता है हाथ छोड़ दीस, हमहू आओ देखा न ताओ, तुरंत है उनके हाथ पकड़ के मोड़ दीना, और दोनों हाथ पीछे पकड़ के पीठी पर कुहनी से निशाना साध के एक जगह धारा बना के 3 छोरे मुक्का दीना हुमास हुमास के पसर गवा हुए हैं। हमारा गुस्सा सातवें आसमान पर, चूल्हा में लुआठी लाग रही, जैसे निकाला खींच के आइन वह के सामने कैसे नहीं गोड़े में गिर पड़ा। खैर वह का रोवत और ये हाल देख के लुआठी से तो नहीं मारा साहब वह का। अच्छा बताओ, जब तुम खुदे थानेदार हो तो थाने का करे आई हो? साहेब मर्द के हरमपन छुड़ावे खातिर आई ना है थाने। अब कौन सा हरमपन बचा है जोन छुड़ावे आई हो तू थाने? सुनो साहेब, हमारे घर में शौचालय नहीं रहा तो हम सब खेत में जात रहें, लेकिन यह खेत के नाम पर 3 बार जात रहा, वहू पूरे 1.5 घंटा बाद लौटे, और जब लौटे तो पूछे कि इतना लेट काहे आयो, तो कहे कि हमारे पेटवा में कब्ज हो गया है, और जबकि हमका पता रहा कि यह 1 नंबर का झूठा है, लेकिन साहब करित कहा जब घर में शौचालय नहीं ना। अब तो घर घर में शौचालय मिल गया है, तुमको नहीं मिला क्या? मिला है सरकार, पहले इलाट में मिला है, हम तो शौचालय खाते 1600 रुपया प्रधान के हाथे में धरी आए रहें है के, यही लिए कि गांव में अगर पहला शौचालय आए तो हमारे घरे आवे। फिर आया कि नहीं शौचालय तुम्हारा? आवा साहेब, बन के तैयार है, और वो 1 सितंबर से चालू हुआ है आपकी। तब क्या परेशानी है तुमको?
परेशानी यह है साहेब कि शौचालय बने के बाद भी यह लोटा लेके खेते में जाता है। खेत में जाता है तो रोकती क्यों नहीं हो तुम उसको? रोकित तो है साहेब, लेकिन वो कहा था है कि परधनवा के दिन शौचालय में हम गोड़ न धरवाए, भले ही हम ऐठ के मर जाए। अब आप ही बताओ साहेब कि दूसरा टट्टी बनाओ के पैसा हम कहाँ से लेके आई। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि थाने का यही काम रह गया है कि हम दिन भर ये निगरानी करें कि कौन डिब्बा लेकर खेत में जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। दिन भर नहीं साहेब, सुबेरे खाली 9 बजे जैसने वह डिब्बा उठाए वैसने हम तुमका फोन करबे। बस अब 2 ठोरे सिपाही भेज दी हो, 4 ठोरे डंडा वह के मरी है, सुधर जाए तुरंत आएगा। सुनो, इसको अपना नंबर नोट करा दो और जैसे ही इसका फोन आए तो साथ में एक महिला सिपाही को भी लेके जाना। मुझे लग रहा है कि मामला दूसरा है, क्या पता मौके पर ही 2 लोगों को गिरफ्तार करना पड़े।